ASN24 पल पल की खबर। जिले एवं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनित समस्त ठेकेदार लोक निर्माण विभाग बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। जिले एवं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डॉक्टर एलएस ध्रुव आयुर्वेद अधिकारी जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। वासियों को हार्दिक स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना काल में चिकित्सा के गाइडलाइन को पालन करते हुए स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, बार बार साबुन में हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं हल्दी और गर्म पानी का उपयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर एलएस ध्रुव बलौदा बाजार। जिले एवं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डॉक्टर आर के बंजारे आयुष विंग प्रभारी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। अधिक से अधिक आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर राजकुमार बंजारे, आयुष विंग बलौदा बाजार, आयुष विभाग। जिले एवं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत बीपी सिंह मुख्य कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। बीपी सिंह कार्यपालन अभियंता जल प्रबंधन संभाग बलौदा बाजार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त जिले के वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामना देता हूँ। साथ में ये उम्मीद करता हूँ कि कोरोना कार्यकाल में सब लोग जो है प्रशासन के कोविड के जो नियम हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। जिले एवं समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत राकेश वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता दिवस की बलौदा बाजार जिले के समस्त नगरवासियों एवं बलौदा बाजार जिले के ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आप सभी से सादर निवेदन है कि आप घर से बाहर न निकलें, मास्क हमेशा पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। आपका अपना राकेश वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला बलौदा बाजार। जय हिंद, जय भारत।